नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रुद्र आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पेटू पॉलिटेक्निक पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फ्री में पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें इसे जानते हैं। हाँ दोस्तों, आप फ्री में पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपके पास आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं, उसे वर्चुअल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पैन कार्ड बना करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है पैन कार्ड इनकम टैक्स लिख करके। अगर आप पैन कार्ड इनकम टैक्स लिख करके सर्च करते हैं तो कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आप जो ऊपर वाला रिजल्ट देख रहे हैं आपको उसी में जाना है। चलिए, उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा वेबसाइट ओपन हो गया है। देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए हम लोग अब पैन कार्ड कैसे बनाते हैं उसे जानते हैं। आप यहाँ पे गेट न्यू पैन देख रहे हैं, आपको बस उसी पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए हम लोग भी एक आधार नंबर डाल लेते हैं, 42 38 60 92 40 55। आधार नंबर डालने के बाद आपको अब कैप्चा कोड भी डालनी होगी, D5MRQF। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वाले बटन पे क्लिक करके कंफर्म डेट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जनरेट आधार OTP, उस पर हम लोग को क्लिक कर देनी है। देखिए दोस्तों, ऐसा पेज अब ओपन हो गया है। अब आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया है जिसे हमें अब डालनी होगी। OTP अब डाल लेते हैं। OTP हमारा 57 41 23। चलिए, हमने यहाँ पे फिर साइन वाले बटन पर क्लिक कर दिया और उसके बाद वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए। अब देखिए, हमारा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का आधार डिटेल्स अपने आप ले चुका है। आपको उसे पासवर्ड पर निर्भर कर देनी है और फिर यहाँ पे हम लोग पुनः एक्सेप्ट डेट पर क्लिक करके सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और क्या लिख दिया है यहाँ पे, थैंक यू, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर द पैन कार्ड रिक्वेस्ट इज इतना इतना इतना, यूज आधार नंबर टू व्यू पैन स्टेटस। तो अब हमारा पैन कार्ड लगभग बन चुका है, जो काम करना था वह कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना होगा और जब हमारा पैन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा तब हम वर्चुअल पैन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपको इस वाले नंबर को नोट कर लेनी है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है। अब हम लोग चेक स्टेटस पर जाते हैं। चेक स्टेटस पर जाने के बाद पुनः आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। आप स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। चेक स्टेटस पर जाने के लिए देखिए, हाँ ये जो आ गई, होम पेज आ गई,
यहाँ पे जो देखिए ये था होम पेज। अब आपको गेट न्यू पैन के बगल में चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन, उस पे आपको क्लिक करना है, जो कि हम लोगों को उस क्लिक हेयर पट्टी पे थे तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए थे। अब यहाँ पे आधार नंबर पुनः डालना होगा, हम लोग का स्टेटस कितना हुआ उसे देखने के लिए। 38 60 92 40 55, उसके बाद कैप्चा कोड डालनी होगी 3LL43A। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लिख रहा है कि इनवैलिड कोड, कैप्चा कोड गलत हम लोगों ने डाल दिया था। इसका मतलब कैप्चा कोड हम लोग गलत डाल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम पर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया है। फिर से हम लोग कैप्चा कोड को डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस रुकी हुई है। हाँ ये लोडिंग लिया, अब ओटीपी मांग रहा है। जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उसे हम लोग डाल लेते हैं। ओटीपी हमारा कुछ 87 63 04 इतना है। अब डालने के बाद देखिए व्यू स्टेटस या डाउनलोड पैन इस ऐप आ गई है। अब हमें डाउनलोड पैन पे क्लिक कर देना है। जल्द से हम क्लिक कर लेते हैं। हमारा पैन कार्ड डाउनलोड हुआ है या फिर नहीं, वो ओपन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों पैन कार्ड डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे ओपन करने के लिए हम लोगों को क्या करनी होगी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड में उसे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे 02 06 1998 क्लिक किए, तो ये देखिए पैन कार्ड डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे सही का निशान भी है, ये आप देख सकते हैं सही का निशान भी है। इसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटली साइंड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और सही का निशान है यानी कि वेरीफाई हो चुका है। और ये जो पैन कार्ड है ये हमारा बन चुका है। तो आप मात्र 5 मिनट में पैन कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।